हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के गुणी के पे आधारित प्रश्न पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में के गुना हो जाती है तो 24 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगी। तो कैसे हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो क्या कर रहा है, 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, के गुना। तो इधर वर्ष लिख लीजिए, ठीक है ना, इधर गुना लिख लीजिए कि कितना गुना हो रहा है। तो 6 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, के गुना। तो कह रहा है कि 24 वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगा, यही ना। तो वर्ष का टेबल पढ़िए, 6 एकम 6, तो लिख लीजिए कि 6 वर्ष में के गुना हो रहा है। 6 दूनी के क्या होता है, 12। तो 6 दूनी के 12, तो के का क्या कर दीजिए, के स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब 12 से 6 दूनी के 12, फिर उसके बाद क्या होगा, 6 18, 6 से 18 होगा ना, 6 तो के पावर क्या होगा, यदि 6 दूनी के 12 तो के का स्क्वायर कर दिए, 6 18 तो के का क्यूब कर दीजिए। लेकिन हम लोग को 18 वर्ष तो नहीं कहा है, फिर 6 से कितना 4 बार पढ़ेंगे तो 24, तो 24 वर्ष में कितना हो जाएगा, k^4। तो यहाँ से k^4 आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ से समझ में नहीं आया तो देखिए क्या करिए, वर्ष लिख लीजिए और गुना लिख लीजिए, ठीक है। 6 का टेबल पढ़िए, 6 वर्ष में के गुना हो जाएगा, 6 दूनी के 12 होता है ना, तो मतलब क्या, के का पावर घात कर दीजिए, के पावर घात, और उतना ही होगा जितना कि 6 के गुना में होगा। तो 6 दूनी के 12 तो के का स्क्वायर, फिर 6 18 तो के का क्यूब, 18 वर्ष में कितना हो रहा है, के का क्यूब हो रहा है। तो 6 चक 24, मतलब कितना, k^4। तो 24 वर्ष में जो है k^4 हो रहा है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे सो देखिए। तो क्या करिए, वर्ष लिख लीजिए, इधर गुना कर लिख लीजिए कि कितना गुना हो रहा है, 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा, तो ठीक है। तो इधर क्या करिए, टेबल पढ़िए, 7 एकम 7, तो 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना, 7 दूनी के 14, तो 14 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2, मतलब कि 4 गुना हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 दूनी के 14, उसके बाद क्या आएगा, 27 21, 7 का टेबल पढ़ते जाइए, और जितना मरतबे 27 21 आता है ना, तो 3 मरतबे, तो 2 जितना गुना हो रहा था उसके पावर 3 कर दीजिए, तो 2 के पावर 3 कितना होता है, 8। तो कितना, 8 गुना कब होगा, जब 21 वर्ष होगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो गया। तो कभी भी कह दे कि कितना वर्ष में जो है कितना गुना हो जाएगा, या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 एकम 7, तो 7 वर्ष में 2 गुना हो गया, 7 दूनी के 14, तो 2 बार में 14 हो रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, फिर 27 21, तो 2 के पावर 3, तो 8। हमसे यही ना कहा कि 8 गुना कब होगा, तो 21 वर्ष में होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है, वर्ष का क्या सीखे हैं हम लोग कि टेबल पढ़िए, और जितना मरतबे हो रहा है उतना के पावर गुना के घात कर दीजिए। तो इधर वर्ष लिख लीजिए और इधर गुना लिख लीजिए कि कितना गुना हो रहा है। तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में, तो 5 वर्ष इधर और 2 गुना हो जा रही है, तो करेंगे कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। 5 के टेबल पढ़िए, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 5 दूनी के 10, 10 वर्ष में कितना होगा, जितना गुना हुआ 2 के पावर 2, क्योंकि 5 दूनी के 10 होता है, तो जितना के पावर घात, गुना कितना है 2। यदि यहाँ पर 3 रहता कि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता, 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता, 3 के स्क्वायर, मतलब कि 9। उसके बाद कितना, 5 दूनी के 10 15, तो 15 वर्ष में कितना, 2 के पावर कितना होगा, 15 15 होता है, तो 2 के पावर 3, तो 8 गुना कब होगा, जब 15 वर्ष होगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो गया।
तो क्या कहा क्वेश्चन में, यदि कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो 5 और 2 गुना, तो 5 × 2 = 10, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 15 15 तो 2 है, जितना गुना हो रहा है उसके पावर क्यूब तो 8 है। तो इसी तरह से याद रखना है कि जितना वर्ष के टेबल पढ़े उसी के गुना के पावर कर दीजिए जितना टेबल पढ़े हैं हम लोग, कि 2 का टेबल पढ़े तो 5 × 10 मतलब कि 5 × 2 किए ना तो ऊपर 2 लिख दीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रुपया 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी, तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो एक बात बताइए, 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 होगी, तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि 2000 का कितना गुना है, 2 गुना है, मतलब कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो वर्ष जो है हम लोग को दिया हुआ है कि 2 वर्ष, और गुना कितना हो रहा है, 2000 से 4000 हो गया, तो 2 ही गुना ना हो गया, तो 2 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो कह रहे हो कि वह राशि कितने समय में 8000 हो गई, मतलब कितना 2000 से 8000 कह रहा है, तो यही ना, तो 4 गुना 2000 का 4 ही गुना ना 8000 होता है, 2000 और गुना 4 कर दीजिएगा तभी ना 8000 होगा, मतलब कि 4 गुना, तो 4 गुना कब होगा, तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 वर्ष में 2 गुना हो जाए, तो 2 × 2 = 4, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, तो 4 वर्ष में जो है 4 गुना हो जाएगा, तो वर्ष कितना आ गया 4 वर्ष, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि यहाँ पे 2000 से 6000 हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 2 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 12000 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे टेबल पढ़ते हैं, लेकिन 12 का हो नहीं सकता, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है, तो कैसे इसको बनाएंगे सो देखिए। तो वर्ष लिख देंगे और गुनी कि कितना गुना हो रहा है, यही ना, तो 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, 5 वर्ष इधर 2 गुना, तो वह राशि कितने वर्ष मतलब कि 20 वर्षों में कितना हो जाएगी, यही पहले कितना है 12000 रुपये है, तब 5 के क्या पड़ेंगे टेबल, तब 5 × 2 = 10, इधर क्या करेंगे 2 के स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर 4, अब 15 तो 2 के पावर क्या करेंगे गुने के पावर 3 कर देंगे, क्योंकि 15 होता है तो 2 के पावर 3 = 8, फिर उसी तरह से 5×20 2 के पावर 4 तो 16, तो मतलब क्या यहाँ से क्या पता, 5 वर्ष में 2 गुना, 10 वर्ष में 4 गुना, 15 वर्ष में 8 गुना, तो 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है 16 गुना, मतलब कि 12000 रुपये राशि का 16 गुना, तो 12000 अगुना 16, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 12 और 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 × 16 तो 2×6 = 12, हाथ में करिए 1 × 6 = 6 और 2×8 = 1 = 9, हाथ में करिए 1 × 1 = 1 292, 1 × 1 = 1 देखिए 2×6 = 12, 6 × 2 = 8 = 9, तो यहाँ से कैरी नहीं था ठीक है ना, तो 1 × 1 = 1 तो यहाँ से 192 हो गया, तो 192 लिख लीजिए, यहाँ पर कितना 0 है 3 0, तो 3 0 बैठा लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हुआ ना, 1,92,000। तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, थैंक यू।